नमस्कार, मैं राहुल चिलानी आप सभी का स्वागत करता हूं। संत साईं सतराम दास जी के चमत्कारों से जुड़ी एक और अनोखी कहानी के साथ वेब सीरीज सचो सतराम में आज का हमारा पात्र है भाई अयालमल, जो दो वर्षों से अपने खेत में पानी की समस्या से जूझ रहा है। अयालमल और उसके परिवार के पास आय का और कोई साधन भी नहीं है, तो सच्चे साईं अयालमल की किस प्रकार सहायता करते हैं और ऐसा क्या होगा जिससे अयालमल अब सच्चे साईं को अपना गुरु मानने लगेगा, आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में सचो सतराम। ठेकेदार भाई, पिछले दो साल से मेरे खेत में पानी की बड़ी दुविधा है और इस खेत के अलावा मेरे पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। मैं चाहता हूं इस खेत में एक कुआं खुदवा दूं जिसके चलते पानी की समस्या दूर हो जाए। काफी राय शुमारी करने के बाद कुएं के लिए ये जगह ठीक लगी है, यहां पानी लगने के आसार हैं। ठीक है भाई अयालमल, कल ही मैं अपना आदमी लाकर यहां खुदाई शुरू कर देता हूं। चले, ठीक है ना? अयालमल भाई। ठेकेदार भाई, क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हो। मत पूछो अयालमल भाई, खुदाई की जमीन काफी कच्ची है, इसकी वजह से पूरी मिट्टी वहीं गिरती जा रही थी। अब तो वहां कुएं खुदाई असंभव है, मैं खुदाई का काम बंद कर रहा हूं। क्या? अब ठेकेदार भाई, अरे ठेकेदार साहब, अब क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, और ये ठेकेदार भाई साहब क्या कह कर गए? ये तो बहुत चिंता वाली बात है। आप पंडित जी से क्यों नहीं मिलते? उनके पास इस समस्या का जरूर कोई समाधान होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल सुबह ही पंडित जी को ये सारी समस्या बताता हूं। पंडित जी, अरे पंडित जी सुनिए। कहो अयालमल, क्या बात है? पंडित जी, मैं बड़ी संकट में हूं। तुम्हारी समस्या तो सचमुच गंभीर है, तुम्हारी परेशानी का समाधान एक ऐसे महान संत के पास है जिसके पास अनगिनत शक्तियां हैं। पंडित जी, कृपया कर उस महान संत का नाम बताइए मुझे। पूरे संसार में एक ही ऐसी महान शक्ति है, सच्चे साईं सतराम दास। यही वो शक्ति है, अगर वो चाहे तो
आपके दुखों का अंत कर सकती है। उनका आश्रम राड़की में है, तुम कल सवेरे ही वहां चले जाना। ठीक है पंडित जी, जय राम जी की। दे राम। ओम सचे साई सतराम दास की जय। 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 ओम सचे साई सतराम। अच्छा अब मैं चलता हूँ, राड़की में साई के दर्शन लेकर उन्हें अपनी समस्या बताकर एक दो दिन में लौट आऊंगा। जी ठीक से जाना और साईं जी को मेरा सादर प्रणाम करना। अरे अयालमल जी, कहाँ जा रहे हो? मैं रहड़की जा रहा हूँ सरपंच जी, साईं सतराम दास जी के दर्शन के लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ किसके स्वागत के लिए खड़े हैं? भाई कमाल हो गया, आप साईं के दर्शन के लिए रहड़की जा रहे हैं और साईं स्वयं कुछ ही क्षणों में अपने गांव पधार रहे हैं। सच सरपंच जी? जी हाँ। है साईं, तुम्हारी माया अपरंपार है, तुम अंतर्यामी हो, जाने कैसे अपने भक्तों का दुख जान लेते हो। साईं जी आ गए। ये पताशे का प्रसाद तुम अपने कुएं में डाल देना, ईश्वर की रहमत तुम पर जरूर बरसेगी। साईं आपकी सिद्धि महान है, मैंने अभी अपना दुख आपको बताया भी नहीं और आपने पहले ही उसका निवारण कर दिया। साईं सतराम दास जी की जय। 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 ओम सच्चे साई सतराम दास जी की जय। ठेकेदार, कल फिर से यहां तुम खुदाई शुरू करो और कल शाम को घर आकर खबर देना। ठीक है, मैं कल से यहां फिर से खुदाई शुरू कर देता हूं। भाई अयालमल, भाई अयालमल, अरे भाई अयालमल, क्या हुआ ठेकेदार भाई, कुएं की खुदाई कैसी चल रही है? अरे भाई आज तो कमाल हो गया, ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कुछ दिन पहले तक जिस जमीन को हाथ लगाते ही मिट्टी के ढेर गिर रहे थे, कुएं तक पहुंचना तो असंभव ही लग रहा था। वाह,
लेकिन आज तो खुदाई में ना कोई रुकावट आई और ना ही कोई परेशानी। अरे वाह, उल्टा कल तक जो काम नामुमकिन लग रहा था वही काम आज एक ही दिन में इतने जल्दी पूरा हो गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब तो हम कुछ देर बाद पानी के पास पहुंचने ही वाले हैं और अपना मकसद पूरा करने वाले हैं। है सच्चे पाशा, हम तहे दिल से आपको लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और आपके बताए हुए वचनों का पालन करूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और अपना जीवन सफल करूंगा। सच्चे साईं सतराम दास की जय। सच्चे साईं सतराम दास की जय।